कार्यकर्ता डॉक्टर आलोक सोती, बीजेपी नेता विकास पांडे, पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विकास जी से। विकास जी, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नोटबंदी पर और सरकार के पक्ष में ये फैसला आया, लेकिन फिर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप, आरोप बयानबाजी क्यों? कि हमारा कोई भी फैसला, आपको याद हो कि नोटबंदी जैसे फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो सब लोग कह रहे थे कि हाय अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला देश हित में लिया गया था, राष्ट्र हित में लिया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमें सरकार में पहुंचाया। तो ये एक बड़ा मैसेज होता है, मुझे लगता है कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। तो जनता ने तो हमारी नोटबंदी के फैसले पर 2017 में ही मोहर लगा दी थी स्नेहा जी, और ये बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन उसके बाद भी विरोधियों का काम होता है कि बरगलाना और बहकाना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कोई नई आदत नहीं है। आपको याद हो स्नेहा जी, राफेल का मुद्दा हो, चाहे पेगासस की बात हो, और चाहे अब फिर नोटबंदी, ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक गए और दहलीज पर पहुंचाने वालों को लताड़ लगी और सरकार के फैसलों की सराहना हुई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों से सीखना चाहिए कांग्रेस को कि नेगेटिव राजनीति बंद करे। एक जो नैरेटिव सेट करती है कांग्रेस इस देश में, वो नैरेटिव उनके लिए ही घातक हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक वैसे ही है कि जिस डाल पे बैठते हैं उसी डाल को काटने लगते हैं कांग्रेस के लोग। तो मुझे लगता है इस देश के मंडेट को समझना चाहिए, इस देश की स्थितियों को समझते हुए कांग्रेस को राजनीति करनी चाहिए। ये राजशाही तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है वो सेवक होता है। आपको याद हो स्नेहा जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं स्नेहा जी। और बाकी रही बात कोर्ट के निर्णय की, तो कोर्ट के निर्णय का सबको सम्मान चाहिए, करना चाहिए। कांग्रेस के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ये उनका अपना विषय है स्नेहा जी, ये तो बस वही बता सकते हैं। ठीक है आलोक जी। जी, नोटबंदी को लेकर के हमेशा से हाहाकार मचा हमारे देश में, और अब नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, फिर भी इस पूरे मामले पर इतना हंगामा क्यों? देखिए स्नेहा जी, सबसे पहले हम आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि दो बारीकी पॉइंट को आपने पकड़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है। कि भाई पहला पॉइंट ये था कि आपने आरबीआई के गवर्नर से पूर्णतया बात हो गई थी, सहमति हो गई थी, और दूसरी आपने कहा था कि कोर्ट ने कहा, जो आपने बात उजागर की है, मैं कल से इस विषय पे कई चैनल्स पे मैं बैठा हूं, तो मैं देख रहा था कि ये जो आपने दूसरी बारीकी ली है ये भी बहुत अच्छी बात है कि नोटबंदी जैसे फैसले जो है वो कानून बना के नहीं किए जा सकते। अगर थोड़ा सा मैं अपने आपके दर्शकों को पीछे ले जाना चाहता हूं, 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 10,000 के नोट को बंद किया था, और यहां ध्यान देने बात योग है कि नोट बंदी नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूं 16 से कि ये नोट बदली है, आपके पास पुराने नोट है, यू गो टू बैंक, बैंक जाइए और अपने खाते में उसको जमा कर लीजिए। कौन कहता है, कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा कि आप काला धन जो है वो अपने घर पे रखिए या काले धन से आपका देश चलेगा। कोई भी चाहे, वेनेजुएला का मैं उस समय नाम लेता था, अब तो बहुत सी कंट्री आ गई है, उसमें श्रीलंका भी आ गई है, तो काले धन से देश नहीं चल सकता है, उसका पतन तय है। तो ये जो फैसला था मोदी सरकार का आते ही बड़ा ही सराहनीय था, बहुत ही साहसिक था, इसमें राजनीतिक उनको बहुत ही घाटा हो सकता था। ये आर और पार की लड़ाई थी, या तो बीजेपी जो थी उसमें आगे भी बढ़ सकती थी, नहीं तो हमेशा के लिए वो खत्म भी हो सकती थी। लेकिन जिस साहस से मोदी सरकार ने इस फैसले को लिया और इम्प्लीमेंट किया, आपने देखा था विपक्ष के सारे सब एक मसले में एक हो गए थे और इस प्रक्रिया को खत्म करना चाह रहे थे। उन्हीं दिनों आपने देखा था ब्राजील ने भी साहस करके किया था और 3 दिन बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था। तो कुल मिला के ये आज सिद्ध हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जो फैसला था बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद आपने देखा कि जो नेक्स्ट फेज था,
ये केवल इसके लिए नहीं था कि आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या आपके पास जो फेक करेंसी आ रही थी वो खत्म हो जाएगी या आतंकवाद पे लगाम बनेगी। इसका जो दूरगामी परिणाम थे वो था डिजिटलाइजेशन होना। उस समय आप देख रहे थे कि हमारे पास मास्टर और वीजा जैसे दो कार्ड थे, अमेरिकन कंपनियां थी, हर ट्रांजेक्शन में पैसा जा रहा था। पेटीएम जिसपे चाइना का पैसा लगा था वही उस समय हम लोग के पास एक गेटवे उपलब्ध था जिससे काम कर रहे थे। उसके तुरंत बाद आपने देखा कि यूपीआई आ गया, इसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक कॉरपोरेशन बनाई गई एनपीसीआई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मोदी काल में ही बनी, और जिसके द्वारा जो फ्री हो गया, अब ट्रांजेक्शन आप यूपीआई से करते हैं वो फ्री है। उस समय 1500 करोड़ रुपए मात्र लगे थे और देश में देखिए जो ट्रांजेक्शन हो गया था वो फ्री हो गया था। अब उसका बजट थोड़ा सा बढ़ के 1800 करोड़ आ गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में जो है ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू होने लगे। तो ये जो डिजिटलाइजेशन होना था बैंकों में, जो आपने देखा था यूपीए वन यूपीए टू में सरकारों के द्वारा जिस तरीके से डिस्पर्समेंट किया गया था लोन और एनपीए हो रहा था, उससे बैंकों की भी स्थिति खराब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो ये जो पैसा जमा हुआ 15 लाख करोड़ रुपए, उससे बैंकों की भी स्थिति सुधरी और वो आगे बढ़े। तो कुल मिला के देखा जाए कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, उसके बाद बीजेपी को कई राज्यों में सफलता मिली, विशेषकर उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, वो कहते हैं कि दिल्ली की रास्ता लखनऊ से होकर जाती है, वो भी सफलता मिली। और आपने देखा उसका नतीजा 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिलता दिखाई दिया। तो कुल मिला के आपने देखा कि अब हम तीसरे फेज में आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी की तरफ आ गए हैं। ये सब संभव हुआ जो 8 नवंबर को 8 बजे जो नोटबंदी हुई थी उसी का नतीजा है कि आज डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ गया है, आज हम डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है विकास जी, विकास जी बार बार नोटबंदी के फैसले को लेकर के चर्चाएं भी हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जब नोटबंदी के फैसले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया और क्या मेन पॉइंट्स थे वो भी क्लियर कर दिए गए हैं, फिर भी अभी तक इस फैसले को क्यों नहीं स्वीकार रहा है विपक्षी दल? को नहीं देख सकते आपको इसमें आज ये बात समझनी पड़ेगी। चाहे इस देश में हर गरीब को छत देने की बात हो, चाहे 80 करोड़ से ज्यादा ऊपर के गरीब लोगों को पिछले 3 साल से मुफ्त अनाज देने की बात हो, आप अगर कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे तो दूसरा विषय नजर आएगा, लेकिन अगर सरकार के चश्मे से देखेंगे आप उसे सरकार के और जनता के दोनों के मध्य सेतु के रूप में देखेंगे तो वो दूसरा तरीके से नजर आएगा। और मुझे लगता है कि आप एक गंभीर जर्नलिस्ट हैं, आप इसको मुझे लगता है बेहतरी के साथ देखेंगे। कारण कि जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद इस देश में आपको मालूम है 12.5 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं, 12.5 लाख करोड़ के, ये बड़ा ऐतिहासिक है। आप ये समझिए जिस देश में लोग गूगल पे और फोन पे के नाम तक नहीं जानते थे, आज मुझे लगता है सब्जी वाला हो, रिक्शा वाला हो, आप छोटे छोटे वेंडर्स क्यों ना हो, वो भी डिजिटल लेन देन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आज ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं है उस देश में, जिस देश में लोग ये कह देते थे कि कितने समझदार हैं भाई, भारत के लोगों को तो यही पता नहीं है कि किस तरफ जाना है। तो उस देश में अगर हमने वो करके दिखाया है तो मुझे लगता है उसमें एक बड़ा रोल नोटबंदी का भी रहा है। दूसरी चीज आप ये देखिए, इनकम टैक्स भरने वालों के आंकड़े की बात कर लीजिए चाहे तो, आज इनकम टैक्स भरने वालों का आंकड़ा कितना जबरदस्त हुआ है इसमें आजी नोटबंदी के बाद। ये भी एक नोटबंदी की सफलता है ना इसमें आजी, कि आपको टैक्स भरने वालों की तादाद आज बढ़ती चली गई, काले धन पे अंकुश नहीं लगा तो टैक्स भरने वालों की तादाद कैसे बढ़ गई? जब अंकुश लगा तभी तो टैक्स भरने वालों की जागरूकता आई, टैक्स लोगों ने टैक्स भरने का काम किया ना। तो इसमें आज मुझे लगता है कि विपक्ष के चश्मे से आप इसे नहीं देख सकते। फिर भी मैं एक बहुत गंभीर टिप्पणी करूंगा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को यह समझना चाहिए कि वो 4-1 के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के 4-1 के मंडेट को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि इस निर्णय में 56 से ज्यादा याचिकाएं पड़ी हुई थी नोटबंदी के खिलाफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और एक गंभीर टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उन्होंने ये कहा है
कि किसी व्यक्ति या संस्था के हित से राष्ट्र के निर्णय को नहीं जोड़ा जा सकता। व्यक्तियों को अगर नोटबंदी से तकलीफ हुई है तो इसके कारण से अगर हम राष्ट्रहित का निर्णय ना लें, नोटबंदी जैसा फैसला ना करें, तो मुझे लगता है वो न्यायोचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की बेहद गंभीर टिप्पणी है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर निर्णय में राष्ट्र को केंद्र में रखती है। इसका ये प्रमाण भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उस पर मोहर लगा दी कि हमारे हर निर्णय में इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी रहती है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की पॉलिसी रहती है। जी, और जहां तक रही इन सारे विषयों की बात, एक विषय और कांग्रेस के द्वारा उठाया जाता है कि आरबीआई को फेस में नहीं लिया गया, आरबीआई को विश्वास में नहीं लिया गया और ऐसे ही हवा हवाई ये कर दिया गया। इसने आज सुप्रीम कोर्ट ने वो दस्तावेज भी मांगे थे, आपको बता दूं कि जो दस्तावेज आरबीआई और भारत सरकार के बीच के गोपनीय दस्तावेज थे, सील बंद लिफाफे में केंद्र सरकार ने वो दस्तावेज कोर्ट को मुहैया कराए। उन सारे दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है और ये दिखाता है कि 6 महीने आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच सारे वाद संवाद हुए हैं, उसके बाद ही नोटबंदी की गई है। तो इससे ये एक हास्यास्पद विषय है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि वो देश को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, नोटबंदी को भी खड़ा करेंगे, अब खुद ही जब कटघरे में एक दिन खड़े हो जाते हैं तब फिर जनता को और ईवीएम को दोष देते हैं। जी आलोक जी, जो ये नोटबंदी का मामला हो या फिर ऐसे जो भी सामाजिक मामले होते हैं, इस पर इतनी हाई लेवल की राजनीति करना कहां तक सही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सही बता रही है? देखिए, राजनीति तो होती रहेगी, विपक्ष अपनी बातें रखता रहेगा, लेकिन समझने वाली बात है कि आपकी जो परीक्षा है वो जनता जनार्दन के पास है। ये एक बहुत सुसाइडल मिशन था क्योंकि इसमें पूरे भारत की 140 करोड़ जो जनता थी उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसी स्थिति में या तो आपकी बीजेपी की स्थिति सुधर सकती थी या बहुत ही खराब हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखे उसके बाद जो रिजल्ट आया, जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी में भी बहुत हू एंड क्राई की थी, 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, हालांकि कांग्रेस को कर लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई। तो ये मोदी सरकार की हम सफलता ही मानेंगे क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की नीति लगाई। उन्होंने कहा ठीक है कि जो टैक्स जमा होगा वो 100% कांग्रेस कह रहा था कि पहले केंद्र में आएगा फिर वहां से जाएगा, तो मोदी सरकार ने उसको 50-50 में बांट दिया कि जो भी आप टैक्स स्टेट में करते हैं 50% आप रख लीजिए, 50% आप हमको सेंट्रल गवर्नमेंट दे दीजिए और उसका जो 42% है वो समय समय पे आपको मिलता रहेगा। और ये लोगों ने प्रस्ताव को इसको एक्सेप्ट किया और जीएसटी भी आपने देखा सफलतापूर्वक लागू हो गई। तो दो ये ऐतिहासिक फैसले थे जिसको हम एज ए अर्थशास्त्र का या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की जो राजनीति है या भारत की जो दिशा और दशा बदलने वाले थे कि किस तरीके से नोटबंदी हुई उसके बाद जीएसटी लागू हुई, दोनों कड़े फैसले थे लेकिन वो सफलतापूर्वक आए। इसमें बीजेपी जितने भी विपक्ष थे उनके पास ये बड़े मुद्दे थे, वो सोच रहे थे कि इससे जनता को कष्ट होगा और जब कष्ट होगा हल्का सा देखा भी गया था कि काफी लंबी लंबी लाइनें भी लगी थी बैंकों के और एटीएम के, क्योंकि उस समय तक जो है ये परिस्थितियां आ गई थी कि जो नोट छप के आ रहे थे, हालांकि आरबीआई से बात ना होती तो इतनी जल्दी नोट छप के नहीं आ पाते थे, नोट वोट सब सब छप के आ गए थे। तो ऐसे में थोड़ा सा जनता को परेशानी हुई क्योंकि एकदम से 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तो वो परिस्थितियां जनता ने एक्सेप्ट किया और जिसका नतीजा राजनीतिक रूप से बीजेपी को मिला और उसके बाद के जो चुनाव हुए 8 राज्यों में उनको काफी अच्छी सफलता मिली। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कुछ हमेशा से मोदी सरकार कहती आई, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि साहब हमको कुछ कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं और उन्होंने लिए भी, जितने कड़वे फैसले जो एनडीए फर्स्ट में लिए उतना शायद अब एनडीए टू में नहीं आ रहे क्योंकि उस समय आर्थिक रूप से ज्यादा थे। अब की बार जो फैसले हो रहे हैं जो बीजेपी लेड एनडीए सरकार है उसमें सामाजिक रूप से हैं, जैसे आपने 3 तलाक का मुद्दा देखा या आपने मंदिर का मसला देखा, राम मंदिर के निर्माण का देखा या धारा 370 की देखी। लिए जो आप अगर 5 फैसले अगर इसको लेना चाहेंगे तो ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसले थे, इसको लेना जो है सुसाइडल मिशंस पे जाना था, लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके दृढ़ता से खड़ी है और देख रहे हैं कि जिस तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में भी फर्क पड़ा है, आगे बढ़ा है, तो आने वाले समय में विपक्ष जो है वो थोड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है
क्योंकि उसके पास और भी अच्छे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे बेहतर तरीके से वो अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी करना नहीं चाह रहे हैं। और जो पुराने मुद्दे हैं, जो कि जिसको हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, उस पे लगे हैं, क्योंकि ना अब नोट बदली का कुछ होने वाला और ना ही आप देख रहे हैं जीएसटी वापस होने वाली है। तो इससे बेहतर है कि जो आज के जो करंट मुद्दे हैं, विपक्ष को चाहिए उसको उजागर करें, उस पे आगे बढ़े, इन मुद्दों को छोड़ दे तो बेहतर होगा। जी विकास जी, कपिल सिब्बल का कहना है कि नोटबंदी की गई थी नकली नोटों का चलन बंद करने के लिए, आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, काले धन को वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार की समस्याओं से निपटने के लिए, लेकिन सब फेल रहा, तो माफी किसे मांगनी चाहिए? देखिए स्नेहा जी, मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार एंकर हैं और आप बहुत समझदारी से पत्रकारिता करती हैं। कपिल सिब्बल जी को खुद की सरकार के आकलन का मुझे लगता है आइडिया नहीं है। आपको याद हो लखनऊ हो, बनारस हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, बम ब्लास्टों की लिस्ट बनती थी पूरे साल में कहां कहां बम ब्लास्ट हुए। और आप स्नेहा जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, आपने भी देखा होगा कि साल में कम से कम 20 बार आप बम ब्लास्ट के ऊपर डिबेट करती होंगी। इस देश में ऐसा होता होगा, मुझे आप याद कर करके बताइए कि बम ब्लास्ट कितनी कितनी बार आपने माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद डिबेट की है, कितने बार की है? नहीं की है ना। तो ये कपिल सिब्बल जी के चश्मे से वो चीजें नहीं दिखेंगी कि जिनका इतिहास ही बम ब्लास्ट का रहा हो, आतंकियों को संरक्षण का रहा हो। आपको याद हो कसाब को बिरयानी खिलाने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। देश की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसे की कमाई को आप आतंकवादियों की खिदमत में जाया करते हैं, तो वो किसने किया? ये वो कांग्रेस की पार्टी जब इस तरीके के हास्यास्पद सवाल करती है तो बड़ा हैरत होती है। दूसरी चीज, जहां तक रही फेक करेंसी की बात, मुझे लगता है कि आम आदमियों के हाथ में आने से पहले ये करेंसी पकड़ी जा रही है। मैं आपको ये समझना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता हूं, शायद ये भी एक कारण रहा कि जो फेक करेंसी लोगों के हाथ तक पहुंच गई थी वो अब खत्म हो चुकी है। जो इनके गेटवेज थे फेक करेंसी आने के या काले धन आने के, जो गेटवेज कहे जाते थे, चाहे बैंकॉक का गेटवे हो चाहे थाईलैंड का हो, तो मुझे लगता है काफी हद तक उन गेटवेज पे हमने अंकुश लगा दिया है। तो अब जब भी फेक करेंसी बनती है, आप समझिए, चाहे यही विषय आता है जब हम ड्रग्स माफियाओं की बात करते हैं, आज ड्रग्स आम आदमी तक पहुंचने से पहले पकड़ा जाता है। पहले क्या होता था कि आम आदमियों को ड्रग्स की पूरी इंडस्ट्री चलाई जाती थी, काले धन की पूरी इंडस्ट्री चलती थी, फेक करेंसी की पूरी इंडस्ट्री चलती थी। आज वो इंडस्ट्रियां नहीं है, आज वो इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और अगर ऐसे कोई प्रयास भी करता है तो आम आदमी तक पहुंचने से पहले वो कैप्चर्ड हो जाती हैं, पकड़ जाती हैं। ये वो बड़ा काम है जो मुझे लगता है नोटबंदी के बाद सरकार ने अपने आप को एडजस्ट किया और सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया तो वो जो गेटवे था वो आज हमारी पकड़ में आ गया और हमारे बिल्कुल जबड़े में है कि जैसे ही वहां से कोई गलत काम होने का प्रयास होता है वैसे ही हम उनसे वहीं धर दबोचते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। और कपिल सिब्बल जी, मुझे लगता है कि अब छोड़िए, ज्यादा राजनीतिक बात हो जाएगी उनको लेकर के अगर मैं कुछ कहूंगा कि जब भगवान राम को काल्पनिक कह दिया तो ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की मैं चर्चा नहीं करूंगा। उनके प्रति तो आम जनमानस की धारणा बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी बुद्धि और विवेक से ये देश नहीं चलने वाला है, ऐसे लोगों की बुद्धि को ये देश स्वीकार नहीं करने वाला। जी आलोक जी, जी जब बार बार बात होती है नोटबंदी की तो यही कहा जाता है कि काले धन की वापसी के लिए नोटबंदी को किया गया था। आप एक खुद सामाजिक कार्यकर्ता, आपके हिसाब से ये कितना सही रहा और क्या वाकई इसमें कमियां रही है? नहीं देखिए, काला धन और जहां तक फेक करेंसी है ये तो स्वतः से चलता आ रहा है, अनंत काल से चलता आ रहा और आदि काल से चलता आ रहा और अनंत काल तक चलता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, ये ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन इसमें जो है आपने ड्रास्टिक चेंज लगाया, एकदम से आपने लगाम लगा दी कि जो काला धन 500 या 1000 रुपए के रूप में था तो आपने देखा था कि एक लिमिट लगा दी गई थी कि आप एक बैंक अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा करेंगे तो ऐसे में आपके पास जो है इनकम टैक्स से जो है एक नोटिस आ जाएगा। तो जिनके पास भी काला धन था, इसी बात पे आम जनता खुश हो गई कि सेठ जी के पास, भैया के पास बहुत काला धन था, 15 लाख था, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को, अपने काम करने वालों को और तमाम लोग को जो है दे दिया, जिसका नतीजा जो है बीजेपी को चुनाव में देखने को मिला था।
तो कुल मिला के एक तरीके से ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ये नोटबंदी नहीं था, ये नोट बदली था, आप अपने नोट बदल सकते थे बैंक में जाके। हाँ, ये जरूर था कि आप अगर 2.5 लाख से ऊपर करेंगे तो नोटिस आ जाएगा, यानी कि आप अपने काले धन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसका बाद में नतीजा भी हुआ, कुछ अच्छी काफी लोगों के पास नोटिस भी आए, उन्होंने जवाब भी दिया और आदि इत्यादि चीजें होती रही। आप ये जान लीजिए कि जो प्रोसेस है वो तो उसको तो रोक पाना के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा करप्शन रोकने के लिए, जैसा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड होती जाती है उससे जो है करप्शन को रोका जा सकता है। जैसे अगर ह्यूमन रिसोर्स जो है जिसका इन्वॉल्वमेंट कम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि पहले इनकम टैक्स का जो रिटर्न आता था हम लोग के समय में, तो वो बाबू के पास चेक बन के रखा रहता था, तो हमारे वकील साहब जाते थे, बाबूजी की कुछ सेवा करते थे तब आता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब सीधे हमारा अकाउंट नंबर इनकम टैक्स के पास है, जो हमारा रिफंड आना है वो ऑटोमेटिकली वहां से आ जाता है, हमको SMS और ईमेल के द्वारा सूचित हो जाता है। और ये भी नहीं हमको मालूम है कि कौन हमारा जो है एसेस कर रहा है, वो अपने कागज मांगते हैं उस कागज को दे दिया जाता है, और जो एक्सेसरी है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या अफसर एक्सेस कर रहा है वो कहाँ का है ये भी नहीं पता रहता है। तो इस प्रकार के आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिस तरीके से रोक पाएंगे। और दूसरा, आपने देखा कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है हर एक चीज का, आप कुछ भी अगर आप सामान खरीदते हैं वो आप कैश में नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे सूरत हाल में आप देखते हैं कि अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसकी रजिस्ट्री होती है तो फौरन आप घर बाद में पहुंचते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस पहले पहुंच जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि अच्छी हैं, जिससे कि लोगों में करप्शन पे जो है लगाम होगी, वो पैसा अगर उनके पास है करप्शन के या ब्लैक मनी है तो उसको खर्च करने में उनके सामने दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब अगर आप अपनी ब्लैक मनी को खर्च ही नहीं कर पाएंगे तो उसको रख के करेंगे क्या। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि जो छोटा मोटा है उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े जो आपके अमाउंट्स हैं उन पे निगाह रखती है, उनको निगाह रखना आसान हो गया क्योंकि हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो केवल आप कहें कि हम कैश पैसे को खत्म कर दें, जो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे खत्म करने से मेरा करप्शन कम हो जाएगा या हमारी फेक करेंसी अब नहीं छपेगी, ये प्रोसेस होती रहेगी जब तक जो इस क्राइम को करते हैं फेक करेंसी छापते हैं उनको अगर प्रॉफिट भी लगता है तब तक वो इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन चालू हो गया, आप करेंसी का काम धीरे धीरे खत्म की ओर होता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स भी आ गए हैं, डिजिटल करेंसी भी आ गई है, तो आप देखेंगे जो फेक करेंसी है वो उसका सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से जितना इनकम टैक्स जो है कंप्यूटराइजेशन होने के कारण वो निगाह रखे हुए है बड़े ट्रांजेक्शन पे, तो हमें लगता है कि आने वाले 10 से 25 साल के अंदर भारत जो है बिल्कुल जैसे हम लोग यूरोप में देखते हैं या US में देखते हैं कि वहां करप्शन नहीं के बराबर है, क्योंकि वो पैसा लेके करेगा कहाँ, खर्च ही नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में भारत में भी आ सकती है। ठीक है विकास जी। जी अभी आलोक जी ने बड़े विस्तार तरीके से बताया कि भारत की मौजूदा स्थिति क्या है और अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो फ्यूचर में क्या स्थिति होगी। विकास जी, बार बार सवाल आता है कि आर्थिक स्थिति बेहतर करने की बात की गई थी वो जमीनी हकीकत पे नहीं दिखी, पीएम मोदी ने जो फैसले लिए थे वो अच्छा करने के लिए किया था लेकिन वो दावे खोखले निकले, आखिरकार क्यों? इतना जी देखिए, बहुत बुनियादी तौर पर एक विषय निकल करके आता है कि अगर काला धन खत्म नहीं हुआ होता तो फिर ये इनकम टैक्स देने वालों का आंकड़ा इतना बढ़ कैसे गया? नोटबंदी के बाद ड्राफ्टिक चेंज आए हैं इनकम टैक्स देने वालों के फिगर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे भी नोटबंदी जैसे फैसलों की एक अहम रोल है और हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अभी आदरणीय सामाजिक प्रवक्ता हमारे साथी ने कहा है कि जो आज इनकम टैक्स की चेक आती थी और उसको लेकर के बाबू को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, एक जो सामाजिक वर्ड है चढ़ावा चढ़ाना, उस पर काफी हद तक लगाम लगी। तो इससे मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है भारत सरकार की नोटबंदी के साथ साथ जो हमने डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया, अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि केवल हमारे पास मास्टर कार्ड और वीजा दो ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, वो उसके बाद भीम आया, UPI आया, तमाम तरीके के हमने रूपे लेकर के आए, हम अपना पेमेंट गेटवे हमने लॉन्च किया। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है कि मोदी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि हम कोई फैसले के पीछे कई स्टेप आउट लेकर के चलते हैं,
हम एक फैसला केवल लागू करके छोड़ देने में बात नहीं करते। आपने देखा हो जब हमने जीएसटी लागू किया तो जीएसटी काउंसिलिंग की बैक टू बैक कितनी बैठकें होती चली गई, कितनी मीटिंग हुई, और हमने हर बैठक में जो भी कमी थी, जो भी एक एक चीज निकल के आ रही थी, कहीं नीचे से कोई कंप्लेंट आ रही थी, तो हम उस पर काम करके उसे तुरंत रिजॉल्व करते चले चल गए। इसी का कारण है कि इतनी जल्दी हमने उस टैक्स प्रोसेस की रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया है और ऑलमोस्ट जीएसटी अपने धर्रे पर आ चुका है, जीएसटी बिल्कुल सेट हो चुका है हमारी इकोनॉमी में। तो ये एक बड़ा काम है, माननीय मोदी जी के विजन का ही एक ये परिणाम है। इतने आजी जहां तक रहा इस देश की संचालन की व्यवस्था का, तो मुझे लगता है कि ये देश धीरे धीरे बदल रहा है और बड़ी तेजी से अपने रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। इतना जी आपको पता हो कि विकासशील देशों की श्रेणी से देश आगे निकल चुका है, अब विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं खड़ा है भारत। तो माननीय मोदी जी के इतने बड़े बड़े फैसले हैं, मुझे लगता है कि एक टर्म और माननीय मोदी जी को 2024 में जो मिलने जा रहा है, इसके बाद इस देश की मतलब कहना चाहिए कि बेसिकली जो सूरत लोगों की नजर में है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, धीरे धीरे बदली है लेकिन अब पूर्णतः रूप से बदल जाएगी। इतना जी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपका पेगासस का मुद्दा हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, राफेल में भी यही कपिल सिब्बल थे, दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ राफेल के मुद्दे को? कहीं हवा नहीं लगी, क्योंकि मोदी जी देखिए इस भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आज 8 साल होने जा रहे हैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप ना मोदी जी की किसी भी मंत्री के ऊपर लगा, बड़ा विजन है। और मुझे लगता है जब आपकी सरकार ईमानदार होती है, अब ईमानदार होता चला जाता है, और उसी का परिणाम है कि आज इस देश में जिस तरीके से डिजिटल लेन देन हो, चाहे आपके जीएसटी कलेक्शन का दायरा बढ़ता चला जाना हो, चाहे इनकम टैक्स देने वालों की संख्या का इजाफा हो, धीरे धीरे देश का नागरिक भी बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार बदलने का प्रयास कर रही है, आम इंसान भी धीरे धीरे बदल रहा है, उसकी भी अपनी धारणा बदल रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी फैसला केंद्र सरकार लेती है वो विशुद्ध रूप में हम सरकार को ध्यान में रख के फैसला नहीं लेते। माननीय मोदी जी की सरकार ने डे वन से एक काम किया है कि हमने सरकार को ध्यान में रख के कोई फैसला नहीं लिया कि हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। माननीय हमारे आदरणीय अटल जी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश हमेशा रहेगा, बस हम उसी स्टैंड पे हमेशा काम करते हैं, उसी स्टैंड पे आगे बढ़ते हैं। जी फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही, आप दोनों